वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा चौधरी, और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक और कंपोनेंट है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किसी जीव को यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, कीट को कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासिटॉइड हो सकता है, प्रेडेटर हो सकता है, पैथोजन हो सकता है। अब इसमें क्या जाता है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल एनिमी को, फिर उसको एनकरेज किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियल मीन्स से, फिर उसको डेसिमिनेट किया जाता है, मतलब फैलाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग उसको लाएंगे, फिर उसको एनकरेज करेंगे, फिर उसको नंबर बढ़ाएंगे, फिर उसको फैलाएंगे। तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आईपीएम का। तो कुछ टेक्निक्स है बायोलॉजिकल कंट्रोल की, बहुत तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, जो है इंट्रोडक्शन, ऑगमेंटेशन और कंजर्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम जान गए कि कोई नेचुरल एनिमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी पेस्ट का, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे स्टेट से हो गया, दूसरे कंट्री से हो गया, तो वही क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि पेस्ट जो है वो पहले से अवेलेबल है, लेकिन उसका नेचुरल एनिमी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको दूसरी जगह से लेके आएंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो कहलाता है इंट्रोडक्शन। दूसरा प्रोसेस होता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन में हम रियरिंग करते हैं और रिलीजिंग करते हैं नेचुरल एनिमी के। अब रियरिंग और रिलीजिंग जो है वो दो टाइप का होता है, इनोकुलेटिव रिलीज और इनोकुलेटिव रिलीज। इनोकुलेटिव रिलीज में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जो है एक पर्टिकुलर सीजन में हम उसको छोड़ देते हैं, पेस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, क्रॉप के ऊपर छोड़ देते हैं, और उसको रिप्रोड्यूस होने देते हैं, उसको बढ़ने देते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट, वो बढ़ता रहता है और पॉपुलेशन जो है अपने आप बढ़ता है, और उसकी जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो दूसरी पीढ़ी का जो नेचुरल एनिमी है, उसको वो इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा। और इनहेरिटेड रिलीज किया जाता है, यहाँ पर हम बहुत सारे नेचुरल एनिमी को पहले मास मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मास मल्टीप्लाई करके सीधे रिलीज कर देते हैं, तो जो रिलीज किए हैं वो ही इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करेगा। तो इनोकुलेटिव रिलीज में क्या होता है कि जो इंसेक्ट हम रिलीज कर रहे हैं वो कंट्रोल नहीं करता, उसका नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोल करता है, जबकि इनहेरिटेड रिलीज में जो भी नेचुरल एनिमी हम मास मल्टीप्लाई करके सीधे रिलीज किए हैं वही कंट्रोल मेजर यूज होता है। तो ये दो अप्रोचेस हो गए। तीसरा अप्रोच होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब हम संरक्षण करके रख सकते हैं, जो भी नेचुरल एनिमी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। और क्या मेजर यूज़ कर सकते हैं हम कंजर्वेशन के लिए, सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरल एनिमी के लिए सेफ हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस अवॉइड करें जो नेचुरल एनिमी के लिए हार्मफुल हो, और वो कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करें जो नेचुरल एनिमीज के लिए फेवरेबल हो। फिर ऐसे कल्टीवेटेड वैरायटी हम लगाएं जिसमें कोलोनाइजेशन जो है नेचुरल एनिमी का वो आसान हो, अल्टरनेट होस्ट हम प्रोवाइड करें नेचुरल एनिमी के लिए, इनएक्टिव स्टेज का प्रिजर्वेशन करें नेचुरल एनिमी का, या पॉलन नेक्टर प्रोवाइड करें एडल्ट नेचुरल एनिमीज को। तो ये कुछ कंजर्वेशन मेजर्स हमको यूज़ करने चाहिए। हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट, पैरासिटॉइड, प्रेडेटर और पैथोजेंस। फिर पैरासिटॉइड क्या होता है? पैरासिटॉइड्स जो है वो इंसेक्ट होते हैं जो या तो छोटे साइज के होते हैं या बराबर साइज के होते हैं, अपने होस्ट से छोटे साइज के या बराबर साइज के होते हैं, और अपना लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उस पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके लाइफ का कोई ना कोई स्टेज जो है उस होस्ट के बगैर नहीं कंप्लीट हो सकता। तो अपन ये पैरासाइट, तो पैरासाइट जो कि किल करेगा इंसेक्ट को वो पैरासिटॉइड कहलाता है। मींस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड? पैरासिटॉइड विल डेफिनेटली किल द इंसेक्ट। इफ इट डेफिनेटली किल द इंसेक्ट देन ओनली वी कैन कॉल इट एज पैरासिटॉइड, अदरवाइज इट इज अ पैरासाइट। तो पैरासाइट जो है जो बगैर होस्ट के अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, पैरासिटॉइड्स जो है वो पैरासाइट तो है लेकिन वो अपने होस्ट को किल भी कर देता है, तो किल करेगा तो पैरासिटॉइड है। फिर ये टाइप्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस के बेसिस पे, एग पैरासिटॉइड, एग लार्वल पैरासिटॉइड, लार्वल पैरासिटॉइड, लार्वल प्यूपल पैरासिटॉइड, प्यूपल पैरासिटॉइड और एडल्ट पैरासिटॉइड्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि एग पैरासिटॉइड्स मतलब एग होस्ट के एग को करेगा, वो नेचुरल एनिमी जो एग के होस्ट को अटैक करेगा, होस्ट एज अ होस्ट अपने होस्ट के एग को अटैक करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है ट्राइकोग्रामा,
ट्राइकोग्रामा स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, ट्राइकोग्रामा जेपोनिका, ट्राइकोग्रामा चिलानीस, ट्राइको, तो ये ट्राइकोग्रामा जो है एक पैरासिटॉइड से, ये एग को जो है वो अफेक्ट करता है, वो पैरासिटॉइड होस्ट के एग, मोस्टली लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक एग्जांपल है टेट्रास्टिकस। लार्वल पैरासिटॉइड्स कैम्पोलेटिस क्लोरिडी, कैम्पोलेटिस क्लोरिडी जो है वो हेलिकोवर पार्मीजेरा के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एपेंटेलस है जो वो एक पैरासिटॉइड है, ये ड्रेपानिडी से बिलोंग करता है, ये यूज़ करते हैं। आइसोटेमा जेवेंसिस यूज़ करते हैं, ये शुगर केन बोरर के लिए इस्तेमाल होता है। एक्जोरिस्टा जेंथेप्सिस यूज़ करते हैं, लिग्जोफेगा डायाट्रेसी यूज़ करते हैं। फिर कार्सेलिया, कार्सेलिया इलोटा दैट इज़ लार्वल प्यूपल पैरासिटॉइड, ये भी यूज़ किया जाता है। फिर कुछ प्यूपल पैरासिटॉइड है जैसे कि इलास्मस अल्बोपिक्टस, टेट्रास्टिकस आयारी, जैंथोपिम्पला इमैक्यूलेटा या जैंथोपिम्पला पंक्टाटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो प्यूपा, जो पैरासिटॉइड प्यूपा पे अटैक करेगा वो प्यूपल पैरासिटॉइड, जो लार्वा प्यूपा दोनों पे करेगा वो लार्वल प्यूपल पैरासिटॉइड, जो लार्वा पे करेगा वो लार्वल पैरासिटॉइड्स, और जो एग पे करेगा वो एग पैरासिटॉइड्स। इसके अलावा एग्जांपल्स है एडल्ट पैरासिटॉइड्स का, एफिलिनस माली यूज़ करते हैं एप्पल वूली एफिड के लिए, ये एक एडल्ट पैरासिटॉइड है। एनकार्सिया फॉर्मोसा यूज़ करते हैं वाइट फ्लाई के लिए, और एनकार्सिया परनीशियस यूज़ करते हैं एप्पल के पेस्ट के लिए, स्केल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एडल्ट पैरासिटॉइड्स के कुछ एग्जांपल हैं। फिर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जैसे कि एपेंटेलस का, एपेंटेलस कैसे पैरासिटॉइड कैसे अटैक कर रहा है, ये उसका फोटोग्राफ है। टोबैको हॉर्नबॉक मैंडुका सेक्स्टा पे ये अटैक कर रहा है, ब्रेकॉनिट पास पे, जो कि एक्टोपैरासिटॉइड है। दूसरा है एक एंडोपैरासिटॉइड, ये ब्रेकॉन का फोटोग्राफ्स है जो एक एंडोपैरासिटॉइड है। फिर नेक्स्ट पैरासिटॉइड्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ट्राइकोग्रामा एक पैरासिटॉइड है, टेट्रास्टिकस भी एक पैरासिटॉइड्स है, इलास्मस जो है वो एक प्यूपल पैरासिटॉइड है, कोटेसिया जो है वो एक लार्वल पैरासिटॉइड्स है, ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। फिर ये टेट्रास्टिकस के फोटोग्राफ हैं, टीलोनमस दोनों एक पैरासिटॉइड हैं। कैम्पोलेटिस क्लोरिडी ये हेलिकोबर्पा पर काम करता है, ये एक लार्वल पैरासिटॉइड है, बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है ये हेलिकोवर्पा को। फिर दूसरा है एपिरिकेनिया मिलानोलिका, ये पायरेला पर्पुसेला शुगर केन का पेस्ट है, पायरेला पर्पुसेला पर अटैक करता है कौन, एपिरिकेनिया मिलानोलिका जो कि लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। ये एग्जांपल है ब्रेकॉन का, ब्रेकॉन पैरासिटॉइड्स राइस इकोसिस्टम पे कैसे अटैक कर रहा है, ये वो है चिलोनस ब्लैकबर्नी जो कि एक एग लार्वल पैरासिटॉइड है, ये कॉटन बॉल वर्म्स पे अटैक करता है, उसका फोटोग्राफ है। फिर पैरासिटॉइड के बाद बारी आती है प्रेडेटर्स की, प्रेडेटर्स कैसे होते हैं, प्रेडेटर्स जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और ये लेकिन अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट पर डिपेंड नहीं कर सकते, ये बहुत सा एक ही होस्ट पर डिपेंड नहीं करते, बहुत सारे होस्ट को ही करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जनरलिस्ट फीडर है, स्पेशल फीडर नहीं है, पैरासिटॉइड जो है वो स्पेशल फीडर होते हैं, प्रेडेटर जो है वो जनरलिस्ट फीडर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि चिली जोनस, क्रिप्टोलीमस, किमनस, म्योचिलस, फेरोसिमनस, ये सारे इसका कौन से प्रे हैं, मिलीबग्स हैं, कॉक्सेट हैं, स्केल्स हैं, माइट्स हैं, सिट्रस है, ग्रेप वाइन और गुवावा मिलीबग्स हैं। मेरिड प्रीडेटर्स जो है सिर्टोनियस लिविडिपैनिस, ये ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रीडेटर होता है। क्राइसोपा है, एफिड मिलीबग एंड यंग कैटरपिलर्स के होते हैं। लेडी बर्ड बीटल है जो एफिड एंड मिलीबग्स का होता है। कुछ स्पाइडर्स हैं प्रेडेटर, सबसे पहले फोटोग्राफ क्राइसोपरला कार्निया की है, दूसरी लेडी बर्ड बीटल्स की है, तीसरी सिर्फ फ्लाई की है, चौथी डाइफा एफिडिवोरा की है। ये ग्रीन लेस विंग का पूरा लाइफ साइकिल दिखाया गया है। फिर ये सिर्फ फ्लाई का एग है, लार्वा है, प्यूपा है, एडल्ट है, मैगर्ट्स बोलते हैं जिसके लार्वा को। ये प्रिडेटरी बग है यूकैंथाकोना, ये कैसे अटैक कर रहा है, ये एक्टोपैरासाइट है, ये कैसे अटैक कर रहा है उसको दिखाया गया है। फिर मिरीड बग, मिरीड बग सिटोरिनस लिविडिपैनिस जो ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रिडेटर होता है। देखिए साइड पे जो फोटो दिख रही है वो, ये जो फोटो है ये ब्राउन प्लांट हॉपर है, ये आपका मिरीड बग है। ये असैसिन बग है जो हिरिडोविडी से बिलोंग करता है, ये भी प्रिडेटर है असैसिन बग। ग्राउंड बीटल्स जो हैं जिसको ऑफ बीटल्स भी बोलते हैं, ये भी प्रेडेटर, एज अ प्रेडेटर वर्क करता है।
फिर कुछ स्पाइडर्स के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, ये वोल्फ स्पाइडर्स के फोटोग्राफ है, लिंक्स स्पाइडर्स के फोटोग्राफ है, जंपिंग स्पाइडर, ड्वार्फ स्पाइडर, लॉन्ग जॉर्ड स्पाइडर, स्पाइडर प्रेडेटिंग ऑन हेलिकोबर्पा। जरा देखिए कैसे स्पाइडर जो है वो हेलिकोबर्पा पर अटैक कर रहा है। ये देखो ये बायो पिक्यूलर सिचुएशन, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर एक बायो एजेंट दूसरे बायो एजेंट पर अटैक कर रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ये ड्रैगन फ्लाई है, ये डैमसन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई डैमसन फ्लाई दोनों ओडोनेटा से बिलोंग करते हैं, जनरल स्पीडर है, प्रेडेटर्स है। ये प्रेइंग मैंटिड है, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया प्रेडेटर है, जनरल फीडर है। ये प्रेडेटरी वास्प है। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट में डिजीज कॉज कर रहा है उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स। तो सबसे पहले एग्जांपल है वायरसेस का, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस क्या होता है, वो ट्री टॉप डिजीज कॉज करता है। मतलब जैसे ही इस वायरस से इन्फेक्ट होता है इंसेक्ट, वो जाता है पेड़ के ऊपर और अपने पेड़ से उल्टा लटक जाता है, जिसको हम लोग ट्री टॉप डिजीज बोलते हैं या हैंगिंग डिजीज बोलते हैं। तो ये सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। एनपीवी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग HANPV का इस्तेमाल करते हैं हेलिकोबर पारमीजेरा के केस में, SINPV का इस्तेमाल करते हैं स्पोटोप्टेरा लैटूरा के लिए, फिर उसी तरीके से कैस्टर सेमिलुपर के लिए, ऑटोगाफा कैलिफोर्निका के लिए ACHNPV करते हैं, और रेड हेरी कैटरपिलर जो अम्सेक्टा अल्बस्ट्रिगा जो है या अम्सेक्टा मोरी है, इसलिए AMNPV का इस्तेमाल करते हैं रेड हेरी कैटरपिलर के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनपीवी के, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जिसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ग्रैनुलेसिस वायरस। ग्रैनुलेसिस वायरस जो है हम लोग काइलो ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो शुगर केन के हो, चाहे मेज के हो, काइलो पटेलस, काइलो जोनानस, काइलो से कैरीफेकस इंडिकस, ये सारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन ग्रैनुलेसिस वायरस का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ एंटमोपैथोजेनिक वायरसेस हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला होने वाला जो बैक्टीरिया है वो है बैसिलस थुरिंजियंसिस, जिसको BT के नाम से जाना जाता है। बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है वो क्या करता है, वो जो है स्टमक पॉइजन है। सबसे पहले बॉडी मतलब अगर इफेक्ट करना है पेस्ट में नेचुरल एनिमी का या इस पैथोजन का इफेक्ट होना है, तो सबसे पहले उसको माउथ पार्ट से बॉडी के अंदर जाना होगा। माउथ पार्ट से जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो होल्स क्रिएट कर देता है, और होल्स क्रिएट करने के बाद क्या होता है, ब्लड सेप्टिसी में आती है, तो वो पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाता है। पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है पहला हीमोसिल में, दूसरा ब्लड सेप्टिसीमिया कॉज करता है, मतलब ब्लड की पॉइजनिंग हो जाती है, और ब्लड पॉइजनिंग ब्लड सेप्टिसीमिया की वजह से इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। तो ये बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वायरसेस भी जो है स्टमक पॉइजन है, लेकिन फंजाई जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइजन है, वो स्किन के थ्रू अंदर जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मेटाराइजम एनाइसोपली, बिवेरिया बेसियाना, एनवर्टी सिलियम लिकैनी, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ग्राम पॉट बोरर, टोबैको कैटरपिलर, सकिंग पेस्ट लाइक थ्रिप्स, एफिड्स एंड मिलीबग्स के लिए इस्तेमाल कर होते हैं। और बहुत इसमें क्या होता है कि जैसे वो स्किन के थ्रू एंट्री लेता है, उसकी जो हाइफा है, जो माइसिलियम्स है, वो पूरे फैलने लगते हैं, और हाइफा से जो है वो हीमोसिल को पूरा ब्लॉक कर देता है, तो उसके सारे सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं इंसेक्ट के, तो फिर इसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है निमेटोड्स। निमेटोड्स है हेट्रोरैक्टिडी स्पीशीज, एस्टरनिमा स्पीशीज, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट को। फिर कुछ प्रोटोजोआ है उसके, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से, थैंक यू वेरी मच, द क्लास इज ओवर नाउ।